हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैंने आपको बताया था एक दो दिन पहले ही, मैंने बताया था, कल भी मैंने बताया था कि इस वीक में ज्यादातर कैंडिडेट्स के पास ज्वाइनिंग आने के चांसेस काफी ज्यादा है। मतलब आज आपका हो गया है, आई थिंक ट्यूसडे, आज आपका मैं देख लेता हूँ, आज आपका है वेनेसडे 23 अक्टूबर, मतलब वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 3 दिन आपके पास और बचे हुए हैं। जितने लोग रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं जिनके पास अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, होपफुली थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, टिल सैटरडे दे विल डायरेक्टली सेंड योर ज्वाइनिंग लेटर ऑन टीचर्स नेक्स्ट स्टेप पोर्टल। सो बी चेकिंग, बी एक्टिव इन योर टीचर्स नेक्स्ट स्टेप पोर्टल गाइस। ओके, वहां पर आपके डायरेक्टली ज्वाइन लेटर जनरेट हो जाएंगे, और यहाँ पर 22 अक्टूबर को भी जनरेट हुए हैं, और आज के दिन भी कुछ लोग के पास अपडेट्स देखने को मिले हैं। मैं सबका बताऊंगा क्या टाइमलाइन है क्या नहीं है। और यहाँ पर 1199 कैंडिडेट्स गॉट द ऑनबोर्डिंग। मैंने बताया था ना आप लोग को, याद होगा, जो मुझे अच्छे से फॉलो करते हैं, मैं वीडियो से पूरा इन तक देखते हैं, मैंने बोला था आप लोग को कि मोर देन 1000 कैंडिडेट टीचर्स इज गोइंग टू ऑनबोर्ड ऑन 7th of November। देखेंगे फ्रेंड, 1199 प्लस कैंडिडेट्स एड हो चुके हैं, और ये नंबर इंक्रीज भी हो सकता है, करेक्ट। तो यहाँ पर एक डेट में अगर इस दिन इतना ऑनबोर्डिंग हो रहा है, सोचो अभी और 2-3 डेट्स बचे हुए हैं नवंबर के मंथ में, अगर 2-3 डेट्स और निकल जाते हैं तो जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं उनका भी ज्वाइनिंग जो है कंप्लीट हो जाएगा नवंबर दिसंबर। मैंने पहले बताया था कि नवंबर दिसंबर के मंथ में टीचर्स के मास ऑनबोर्डिंग देखने को मिलेंगे, और ये 1199 ये नंबर कोई छोटा नंबर नहीं, क्योंकि ये केवल फ्रेशर्स वालों का नंबर है, एक्सपीरियंस वालों का तो अभी होल्ड है, पोस्टपोन्ड है जनवरी के सेकेंड वीक में। ये जो नंबर आप देख पा रहे हो 1199, ये बस फ्रेशर्स वालों का है, मतलब 2024 बैच वालों का है। मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पर नंबर भी आप लोग एमटॉप के साइट पर भी देख सकते हो, ठीक है। और आप देखोगे मेरे स्क्रीन पर ये टाइमलाइन वगैरह भी है, आप लोग इसमें देख सकते हो, ठीक है। ऑफर लेटर गॉट और 13 जुलाई, ओके, गॉट इट, ओके। एंड आफ्टर 2 डे ही गॉट द आईएलपी एलिजिबल एंड अराउंड आफ्टर 3 मंथ्स ही, आफ्टर 3 मंथ ऑफ गेटिंग आईएलपी एलिजिबल, और यू कैन से ऑफर लेटर, बिकॉज ऑफर लेटर ये सब का सेम डे ही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग सेम डे एक्सेप्ट कर लेते हो। और वंस यू गॉट ही गॉट द आईएलपी एलिजिबल आफ्टर 3 मंथ ही गॉट द आईएलपी शेड्यूल एंड सेम डे सी द टाइमिंग ऑलमोस्ट 1 आवर आफ्टर ही गॉट द ज्वाइनिंग लेटर जनरेट एंड वंस दे जनरेट योर ज्वाइनिंग लेटर दे विल सेंड यू अ ज्वाइनिंग कन्फर्मेशन सर्वे मेल, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, ओके, टीचर ज्वाइनिंग कन्फर्मेशन, बिकॉज दे विल जस्ट आस्क यू आर रेडी टू ज्वाइन ऑन द स्पेसिफाइड ज्वाइनिंग डेट व्हाट एवर मेंशन इन योर टीचर्स ज्वाइनिंग लेटर। तो आपको पूछेंगे कि आप जिस दिन जो का ज्वाइनिंग बताया गया है उस आप रेडी हो कि नहीं, आपको एक्सेप्ट करना है, फिर आपका आपका ज्वाइन लेटर एक्सेप्ट हो जाएगा और कंफर्मेशन मेल आपको ईमेल में आएगा, और डायरेक्टली टीचर्स का ज्वाइन लेटर जनरेट हो जाएगा टीचर्स के नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर। चलिए बात करिए जिनके पास ये अपडेट्स आया, रोल डिजिटल ज्वाइनिंग डेट 7 नवंबर, ऑफर लेटर रिसीव 13 जुलाई, ज्वाइनिंग लेटर रिसीव 22 अक्टूबर, लोकेशन इज चेन्नई, ओके, जिससे कैंडिडेट नंबर 1 एंड कैंडिडेट 2, ऑफर लेटर 13 जुलाई, ज्वाइनिंग लेटर 22 अक्टूबर, ज्वाइनिंग डेट 7 नवंबर, लोकेशन इज अहमदाबाद, ओके। ऑफर लेटर डेट 30 अगस्त, गॉट लेट बिकॉज ऑफ माई स्टूडेंट नॉट सबमिटेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड ज्वाइनिंग डेट 22 अक्टूबर, ज्वाइनिंग डेट डेट 7 नवंबर, लोकेशन इज दिल्ली, ओके, लोकेशन डिजिटल लोकेशन चेन्नई, और क्योंकि चेन्नई वालों के पास बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ऑफर लेटर 22 जुलाई, ज्वाइनिंग लेटर यू कैन से जिसे लेटर ना जिसे लेटर ज्वाइनिंग लेटर 22 अक्टूबर, ओके, एंड ज्वाइनिंग डेट इज 7th नवंबर, आईपी एंड वर्क लोकेशन इज चेन्नई। चेन्नई वालों के पास बहुत सारे अपडेट्स हैं, मैं टेलीग्राम ग्रुप है गाइस चेन्नई का, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे बहुत सारे लोग डिस्कशन वगैरह कर रहे हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है, और आप लोग वहाँ पर ये सर मैं टेलीग्राम ग्रुप में दिखा दूँ आपको, टेलीग्राम ग्रुप आप लोग प्लीज ज्वाइन हो जाएगा, इसी वहाँ पर भी आपको सारे इन्फॉर्मेशन सारे अपडेट्स वगैरह देखने को मिलते रहते हैं। वहाँ बहुत सारे लोग ऑलरेडी एक्टिव रहते हैं, जो अपना फीडबैक इन्फॉर्मेशन जो भी उनके पास लेटेस्ट में रहता है वो अपने साथ में शेयर करते रहते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जो जरूर ज्वाइन हो जाना, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टीसीएस रीजन वाइज टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर आपको सारे ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे, जिस भी ग्रुप में आप लोग जिस ग्रुप जिस रीजन से आप लोग बिलोंग कर रहे हो उस रीजन में बेसिकली आपको बस ज्वाइन हो जाना है। सारे सारे मैंने सारे रीजन का ऑलरेडी मैं ग्रुप बना चुका हूँ, मैं देख रहा हूँ कहाँ है वो, मैंने स्क्रीनशॉट भी इसमें अटैच करा था, ठीक है, रीजन वाइज टेलीग्राम ग्रुप को लेकर। तो आप लोग प्लीज ज्वाइन हो जाना, ठीक है, यहाँ पर अभी मुझे मिल नहीं रहा है, आप बस आप लोग ज्वाइन हो जाना, मैं आपको लिंक वगैरह दे दूंगा, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। तो जिसके पास नहीं आया है डोंट वरी, आपके पास भी काफी जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मास ऑनबोर्डिंग हो रहे हैं नवंबर दिसंबर के मंथ में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के पास ज्वाइनिंग आ चुका है, बहुत सारे लोगों पास डायरेक्टली जनरेट हो रहा है। तो प्लीज आप लोग अपने नेक्स्ट स्टेप पोर्टल को देखना, वहाँ भी आपका डायरेक्टली जो है टीचर्स का ज्वाइन लेटर जनरेट हो जाएगा टीचर्स के नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे। तो जो भी डाउट्स होता है आप लोग प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट करके, वैसे मैं आपको हमेशा अपडेट करता रहता हूँ रिगार्डिंग द ज्वाइनिंग अपडेट्स को लेकर, ठीक है। तो अपना जिसका ज्वाइन लेटर आ चुका है अपना बीसी कंप्लीट कर लेना, और नेक्स्ट स्टेप पोर्टल को देखते रहना, बाय बिकॉज बाय दिस वीक डेफिनेटली यू हैव स्टिल चांस टू गेट ऑन बोर्ड ऑन 7 नवंबर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास आ रहे हैं और आज भी कुछ लोगों के पास देखने को मिले हैं ज्वाइनिंग लेटर, तो आप लोग पास भी डेफिनेटली देखने को मिलेगा, बस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल को देखना। और ये मत सोचना कि सर बीसी मैंने कंप्लीट नहीं करा, इस पोर्टल मैंने नहीं कंप्लीट करा, आईबी मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा, तो क्या इससे प्रॉब्लम होगा ज्वाइनिंग लेटर आने, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आप पास टीचर्स का ऑफर लेटर है डेफिनेटली यू विल गेट योर ज्वाइनिंग लेटर, ओके। तो कोई डरने की बात नहीं, सभी के पास ज्वाइनिंग हो, जिनके पास भी ऑफर लेटर ज्वाइनिंग सभी का होगा, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस वालों का
ज्वाइनिंग को होल्ड कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, तो ज्यादा टीचर्स अभी फ्रेशर्स वालों को फोकस ज्यादा कर रही है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। सो आई होप दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।